सहने का एक सीमा होता है, और अभी तो जानते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है तब बीपी बढ़ा रहता है, बीपी बढ़ा है। बड़े लोगों का बीपी बढ़ता है बीमारी से, गरीब लोगों का बीपी बढ़ता है लड़ाई से, इसलिए लड़ाई लड़ने के लिए हम आए। बीपी बढ़ा हुआ है, इसके सामने आइए मत। भारत बंद का सर कितना बाल में सर दिख रहा है सर? हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोग यहाँ पे बातचीत भी जो है, जो यहाँ पे लोग हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, और कंटिन्यूस जो है हम लोग का टॉक जारी है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी यहाँ पे जो है स्थिति बनी हुई है उसको क्लियर हम लोग कराएँ। लॉ एंड ऑर्डर का भी तो कोई भी जो है यहाँ पे वैसी सूचना नहीं मिली है, सब चीज़ शांतिपूर्ण तरीके से है। यहाँ पे जो है पब्लिक भी उपस्थित है, उनसे भी जो है आप लोग पूछ सकते हैं। अभी शांति व्यवस्था कायम है, और हम लोग जो है फोर्स और मजिस्ट्रेट का हर पॉइंट पे प्रतिनियुक्ति भी कर रहे हैं। थाने से सर क्या तैनाती की गई है सर? जो मेजर पॉइंट्स है वहाँ पे, जो हमें लगा कि जहाँ पे ऐसी स्थिति बन सकती है, वहाँ पे हम लोगों ने फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिपुटेशन किया। आज का जो भारत बंद है, 1 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पूरे SC ST समाज को उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का एक नियम आया था जो कि असंवैधानिक है। वो अधिकार राष्ट्रपति और संसद का है, ना कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का है। अगर सिस्टम लागू करना है तो सबसे पहले शुरुआत कॉलेजियम सिस्टम को बंद किया जाए, कॉलेजियम सिस्टम को बंद किया जाए, न्यायपालिका में और निजी क्षेत्र में आरक्षण मिले, उसके बाद पूरे भारत में जातीय जनगणना कराया जाए, और SC ST OBC का जो बैठ जाइए, जो जा रहा होता है जाने दीजिए पीछे से। जो भागों ने बिहार सरकार ने दलित महादलित को जो बनाया है उसको वापस लिया जाए, यही है। अरे डाक पार्सल वाला को जाम करवाइए बीच में। आपकी बात को नहीं माना गया तो क्या कीजिएगा आगे का? अगर हम भारत सरकार का भारत को बंद कीजिए नहीं माना जाता तो एक बार फिर से हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को झुकाएंगे। 2 अप्रैल में भी हमको सुप्रीम कोर्ट को झुकाए थे, और इस बार भी दलित समाज झुकाएगा सुप्रीम कोर्ट को, बिल्कुल झुकाएगा। किन किन पार्टियों मिलकर ये भारत बंद? ये पूरे दलित समाज का, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज के पूरे समाज, इसमें विभिन्न संगठन के लोग भारत बंद में शामिल है, और जो भी पार्टी अगर इस चीज को समर्थन दिए है तो उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। दीपक पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता मिशन। अब उसी को वोट मिलेगा, इसलिए लड़ाई वही होगी, वही लड़ाई लड़े। अभी आए थे प्रशासन के पदाधिकारी, देखे वो समझा रहे थे, भैया आप जितना अच्छा से हमको समझा रहे थे, थोड़ा जाके सुप्रीम कोर्ट के जज को भी समझा देते, उसको भी समझा देते कि भाई इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो, ये कानून के द्वारा पहले मनुस्मृति बना करके हमको टॉर्चर किया, अब संविधान से अलग हट करके जज बना करके हमको टॉर्चर कर रहा है।